हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका सत्यम और आप देख रहे हैं टेकविजन 2.0। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि विंडोज 10 से विंडोज 11 में आप अपने पीसी और लैपटॉप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें कितना टाइम लगेगा, कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगी और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आप स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊंगा, बस आपको फॉलो करते जाइए और आपका जो लैपटॉप और पीसी है वो विंडोज 10 से विंडोज 11 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जनरल लाइसेंस के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपका पहले भी विंडोज 10 है तो सबसे पहले आप विंडोज 10 को हायर वर्जन पे अपग्रेड कर ले, क्योंकि अगर आप वो हायर वर्जन पे अपग्रेड नहीं करते तो आपका विंडोज 11 अपग्रेड नहीं होगा। तो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको विंडोज में जाना है स्टार्ट में, देन यहाँ पे सेटिंग प्रेस करने, देन आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाना है, देन आपको यहाँ ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा अपग्रेड टू विंडोज 11 इज रेडी एंड इट्स सेफ, गेट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज विद न्यू लुक, न्यू फीचर्स एंड एनहांस सिक्योरिटी। सो अगर ये आपके विंडोज पे ऐसा डिस्प्ले हो रहा है तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऑफिशियल लाइसेंस विंडोज की तरफ से आ रहा है। चलिए इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको विंडोज एंड इंस्टॉल पे आपको प्रेस करना पड़ेगा। सो यहाँ कुछ इनके टर्म्स एंड कंडीशंस है जिनको आपको एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे प्रेस करना पड़ेगा। सो एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल, अपडेट्स अवेलेबल, डाउनलोडिंग 0%। तो ये आपका अपग्रेड चालू हो चुका है। एंड ये जो विंडोज 11 की फाइल्स हैं ये आपको कम से कम 1.5 GB तक की स्पेस ले सकती है। तो अपग्रेड करने से पहले आप अपना इंटरनल मेमोरी ज़रूर चेक कर लीजिए कि उतना स्पेस बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। अगर नहीं बचा होगा तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है बीच में अगर रुक गया। एंड वन थिंग, अपग्रेड करते टाइम आपको लैपटॉप अपना ऑफ नहीं करना है और स्क्रीन भी ऑफ नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप अपग्रेड करें तो अपनी बैटरी या फिर कनेक्टर लगा के करें। आई थिंक ये बहुत टाइम लेने वाला है, तो मैं अपग्रेड के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेप रहेगा मैं आपको बताता हूँ। सिस्टम 100% डाउनलोड हो चुका है। नाउ लेट्स सी इंस्टॉलिंग में कितना टाइम लेता है ये। सो डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो चुका है और डाउनलोड एंड इंस्टॉल लेने में 1 hour 30 minutes लग गए। सो नेक्स्ट स्टेप इज रिस्टार्ट नाउ। अपग्रेड हो चुका है विंडोज 11 में एंड जितना टाइम इसने लिया है वो है 2 घंटे। 2 घंटे में पूरा सिस्टम अपग्रेड हो चुका है, डाउनलोडिंग, इंस्टॉलिंग से लेके एवरीथिंग। सो इसमें जो आपको चेंजेस देखने को विंडोज 10 में आपको आइकन इस टाइप के देखने को मिलते हैं, वहीं विंडोज 11 में देखे तो जो आइकन्स विंडोज 10 में हमने देखा वो डिफरेंट है और जो विंडोज 11 में देख रहे हैं वो डिफरेंट है। जब विंडोज 10 में आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिल जाता है, व्यू, शॉर्ट बाय रेफरेंस, स्पेस, स्पेस शॉर्टकट, अंडू, मूव्स, न्यू डिस्प्ले सेटिंग्स, पर्सनलाइज। और वहीं अगर आप विंडोज 11 में देखे तो वहाँ कुछ डिफरेंट मिलता है। जैसे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको इंटरफेस कुछ इस टाइप का भी देखने को मिलेगा, व्यू, शॉर्ट बाय रेफरेंस, न्यू डिस्प्ले सेटिंग, पर्सनल, शो मोर ऑप्शन में जाते हैं तो जैसा इंटरफेस आपको विंडोज 10 में देखने को मिल रहा था वैसे सेम इसमें देखने को मिल जाएगा। विंडोज 10 में आपको स्टार्ट की यहाँ मिल जाती है, वही विंडोज 11 में देखे तो आपको जो स्टार्ट का ऑप्शन है पहले विंडोज 10 में यहाँ मिलता था, अभी ये बीच में आ गया है। जब आप इसमें स्टार्ट पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे आप फोन्स यूज़ करते हैं तो इजीली अवेलेबल सारे ऐप्स रहते हैं वैसे आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जैसे व्हाट्सअप, स्पॉटीफाई, आप जो भी करना चाहे इजीली इसमें अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। इन शॉर्ट आई कैन से विंडोज 10 से विंडोज 11 स्मूथ है। सो आप डाउनलोड कर सकते हैं और स्टेबल भी है। यहाँ से आप एक सर्च का ऑप्शन देख सकते हैं, जहाँ पर जाके अगर आपको कुछ भी टाइप करना है तो आप यहीं से सीधा डायरेक्ट अपने वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको सेपरेटली इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम में जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट थिंग इज विजेट्स। यहाँ से आप अपने सारे डेली जो भी न्यूज़ रहते हैं वो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, जो भी अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं या फिर रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर जो भी डेली के न्यूज़ होते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं इजीली। सो ये था सिंपल प्रोसेस कि आप विंडोज 10 से विंडोज 11 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो में कोई भी स्टेप्स आपको मिसिंग लगते हैं या फिर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैं सारे स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऑल्सो अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं एंड मैं वहाँ पे आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।